इग्नू दिसंबर एग्जाम 2024 में अपना एग्जाम देने वाले लाखों छात्रों के लिए काफ़ी जरूरी और महत्वपूर्ण सूचना इग्नू ने जारी कर दिया है। उनका दिसंबर एग्जाम 2024 के लिए संभावित टाइम टेबल या डेटशीट जारी कर दिया गया है। यह क्या होता है, क्यों इसको संभावित बोलते हैं, डेटशीट और टाइम टेबल दोनों एक ही होता है। इग्नू में डेटशीट बोला जाता है, जिसे सामान्य भाषा में टाइम टेबल आप लोग जानते हैं। आप सभी का एग्जाम कब से होने वाला है, कितने दिनों तक चलने वाला है, कितने शिफ्ट में होगा, सभी कुछ आप सभी को मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए टेंटेटिव डेट शीट फॉर कंडक्ट ऑफ दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जाम ओडीएल मोड, ऑनलाइन मोड वाले छात्रों के लिए नहीं, ओडीएल के ओपन डिस्टेंस लर्निंग में इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये पीडीएफ डाउनलोड होके आ जाएगा, आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देखिए इस प्रकार से टाइम टेबल खुल के आ जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर देखेंगे ही तो लिखा है टेंटेटिव डेट शीट फॉर दिसंबर 2024 टर्म इंडिया। देखिए संभावित का मतलब होता है इसमें संशोधन होता रहता है, ठीक है। कोई दो एग्जाम एक ही डेट पे को पड़ गया या कोई प्रतियोगी परीक्षा जो बड़ी होती है वो किसी डेट को मैच कर गई तो उसमें चेंज इग्नू करते रहता है, तो ये फाइनल नहीं है। लेकिन मान के चलिए कि आप सभी का जो ये फर्स्ट डेट दिया होगा ना एग्ज़ाम का, यहाँ पे देखिए 2/12/2024 यानी 2 दिसंबर से आप सभी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। यही रेशियो रहता है, एक दो डेट आगे पीछे होते हैं, नहीं तो मान के चलिए 2 दिसंबर 2024 से आप सभी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उससे पहले आप लोग कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो देख लीजिए। यह डेट शीट फिलहाल संभावित है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे तो लिखा है यह संभावित है, ठीक है। इसमें संशोधन होंगे, परीक्षा फार्म के लिए समय से पोर्टल खोल दिए जाएंगे ये भी कह रहा है, ठीक है। इसके बाद कौन कौन भर सकते हैं, अगर किसी भी प्रकार कोई समस्या है तो इस पर दिया है कि आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। कोई चेंज करना चाहते हैं इसमें डेट वगैरह, कोई आपत्ति वगैरह है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ईमेल भेज सकते हैं, ठीक। यहाँ पे पढ़ लेंगे पूरे अच्छी तरीके से और इसके बाद आप सभी को नीचे दिखा दूँ कि कौन कौन से जो प्रोग्राम हैं वो कार्यक्रम प्रोग्राम या कोर्स और जो कि ओमआर यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। देखिए ये जो कोर्स लिखा है ना पाठ्यक्रम, इतने जो पाठ्यक्रम है ऊपर देखिए ओमआर आधारित होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक। तो ये देख लीजिएगा, इसके बाद सब कुछ पढ़ने के बाद नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे देखिए आप सभी का 2/12/2024 से आप सभी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है सोमवार से। दो शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग सुबह 10 से लेके 1 बजे तक और इवनिंग में मान के चलिए 2 से 5 बजे तक आप सभी का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद मान के चलिए कि आप सभी का दिसंबर 2 दिसंबर से एग्ज़ाम होगा ही होगा। लास्ट पेपर आप सभी का कब है, 10/1/2025 यानी कि 10 जनवरी 2025 तक आप सभी का एग्ज़ाम जाएगा फ्राइडे तक, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे छात्रों का कमेंट आएगा कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कब होगा, तो जब थ्योरी पेपर हो जाता है उसके बाद ही प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। उसके लिए आपको इग्नू के जो रीजनल सेंटर के वेबसाइट होते हैं उस पर जाकर विजिट करना होगा या स्टडी सेंटर से संपर्क करना होगा। रीजनल सेंटर का वेबसाइट भी आपको मिल जाएगा इग्नू के वेबसाइट पर ही, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप चेक करते रहिएगा, ठीक है। और संभावित जो टाइम टेबल है इसमें चेंज होते रहता है, फाइनल डेट शीट आता है, ठीक है। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले फाइनल डेट शीट जारी कर दिया जाता है, उसी के आधार पर आप सभी का एग्ज़ाम होता है, उसी के आधार पर एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। लेकिन मान के चलिए कि 99% जो होता है उम्मीद या चांस इसी डेट शीट के आधार पर आप सभी का एग्ज़ाम होना है। मान के चलिए कि 2/12/2024 से आप सभी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये संभावित डेट से संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।